सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। गाइज रिएक्ट ही करने वाला हूँ और अपनी बात भी कहने वाला हूँ। ये वीडियो किसी की तरफ से नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से ये वीडियो है। और अगर ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक जाए तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। अगर हम उन्हें एक अच्छा प्रोफाउंड बेस नहीं देंगे तो वो ग्रो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे। मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ कि अभी अभी ना अरुणाचल में एक इशू हुआ कि APPSC, जिसे हम नॉर्मली UPSC भी बोलते हैं, मतलब जो PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब पेपर लीक हुआ। 2 महीने पहले की ये बात है कि पेपर लीक हुआ, थोड़ी देर पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। जब भी ये लास्ट एग्ज़ाम था तो लीक हुआ। उस टाइम पे सब सारी बातें समझ में आती हैं, जिसने भी पेपर लीक किया उसके जूते तो पड़ने चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कॉफ़ी को साइड पर रख के आप मेरे को एक बात बताओ कि एक बच्चा जब इन पेपरों की तैयारी करता है ना, तो उसकी जान निकल जाती है तैयारी करने में। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की वजह से ये दिक्कत हुई है, चाहे वो छोटे लेवल का है चाहे वो बड़े लेवल का है, ठीक है। मुझे सारी बातें समझ में आई, मुझे सिर्फ इतना नहीं समझ में आया कि इतनी बड़ी बॉडी होती है गवर्नमेंट, इतने बड़े वहाँ पे इनके वो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे चंद लॉयल लोग नहीं है इनके पास। देखो एग्जैक्ट चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अभी अपनी रीसेंट वीडियोस के अंदर के इसके बारे में बात करो। कल 10 स्टूडेंट्स इंजर हो गए। मेरे ख्याल से ये बहुत शर्मनाक बात है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड द बेसिक स्टूडेंट बॉडीज। मतलब ये नहीं होना चाहिए। और देखो सीधी सी बात है, एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है ऐसे एग्जाम्स की प्रिपेयर करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। वहाँ पे वैसे ही जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ के लोग मैंने देखा है कि बहुत मेहनती लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के। और स्टूडेंट्स जो हैं जी जान लगा देते हैं इन पेपरों के लिए, और अचानक से पता चले पेपर लीक हो गया किसी चूतिए की वजह से, और इनको ये तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी, चाहे वो 10 दिन बाद एग्ज़ाम हो या 1 महीने बाद। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ विजुअल्स, जिसे देख के शायद आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, लेट्स वॉच इट टुगेदर, ठीक है। और फिर हम इन्हें बाइफरकेट करते हैं कि क्या चक्कर क्या है ये, ठीक है। अब ये देखो, क्लैशेस इराप्ट इन अरुणाचल प्रदेश, वॉयलेंस ओवर एग्जाम पेपर लीक, प्रोटेस्ट क्लैश विद द सिक्योरिटी फोर्सेस, पेपर लीक रो एस्केलेट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ये सिर्फ खबरें दे रहे हैं, मुझसे ये और देखा भी नहीं जा रहा है। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे देखो 10 लोग इंजर हो गए, जो सबसे दुख की बात है। 10 लोगों के बाद प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी पर्सन के बीच में अलग तरह की फाइट हो रही है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ पता क्या है, मतलब लोगों ने अपना रोष तो दिखाना ही है यार। ये ऐसी बकवास हरकत होने के बाद स्टूडेंट्स तो मैं गांठ फाड़ देंगे सरकार की, मतलब स्टूडेंट्स का गुस्सा तुम लोगों ने अभी देखा ही नहीं है। मतलब सीरियसली मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मेरे शब्द थोड़े वैसे हो जाते हैं गुस्से में, लेकिन इट इज़ नथिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना काम ठीक से करती है। लेकिन बीच में जो आपके करप्ट लोग हैं उनके ये बकवास हरकतों की वजह से, ये जो करप्ट चूतिए हैं इनकी वजह से एक स्टूडेंट अपनी तैयारी दोबारा क्यों करे? पैसा नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, उसने वो मेहनत नहीं करी थी पहले। चलो वो बच्चा पेपर देके फेल हो जाए, दोबारा देगा, उसकी गलती है, उसको मेहनत और करनी है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स कितने परेशान हो रहे हैं, सब अपने घरों से परेशान होके आए हैं। इतना बच्चा परेशान होके नहीं आता। और ये देखो, ये इशू हुआ था पीछे से, हो, हो। संघर्ष करो,
समारोह को संबोधित किया वो अंशु और निशी स्टूडेंट के द्वारा ना। यार दुख होता है ये सब देख के। अब ये देखो यहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं मेरे को ये वीडियो आप लोगों तुम सुनो, तुम लोग ऐसा करके दादागिरी करते ना, तुम लोग ये पुलिस लगा के ना पूरा हम लोग को धुलाई करने दे रहे हैं ना। जितना हम लोग एक्सपायर लोग मेडिकल पर्चा दिया किसी को तैयार केस मारा है ना, आप लोग ज्यादा ऐसा करेगा। हम लोग जितना एक्सपायर पेरेंट्स है हम लोग कंटिन्यूस करेगा बंद कल को, चाहे जो गोली है तो खाएगा कंटिन्यूस करेगा। आपको हम बता रहे पेमा कर दो। ये देखो तुम सुनो अच्छा से, ये हम लोग का सबसे क्लियर मैसेज है, हम लोग बंद कल को जारी रखेगा। अभी इन्होंने एक नाम लिया पेमा गंधू, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। तो इनकी मैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम की इंटरव्यू देख रहा था, डिमांड्स मान ली, ये कर लिया वो कर लिया, वो सब सही था। बीच में ना इन्होंने अपना पल्ला कैसे झाड़ा इस चीज़ से पेमा गंधू जी ने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन सुनना है यहाँ पे, ये देखो दिया है। मैंने डे वन से ही कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस एक बॉडी है, उसको सिस्टम को ओवरहॉलिंग करना जरूरी है टॉप टू बॉटम। इसीलिए जितने भी हमारा फॉर्मर जो मेंबर्स और चेयरमैन उन लोग ने रिज़ाइन कर दिया था, इसके बाद सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग थे, क्योंकि ऑटोनोमस है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में आता है, उसके लिए अलग से कैबिनेट बैठा के उसको भी हम लोग ने सर्विसेज को भी मर्ज। इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट से उसको टोटली अलग दिखाया है, बट है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही ना अंदर। इन्होंने बेसिकली ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट से बाहर है, वो ये कह रहे हैं कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें इनकी पार्टी सरकार का कोई लेना देना नहीं। चलो मैं मान गया जी, लेकिन यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी गलती है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ खड़े तो हो सकते हो यार। बच्चों ने तैयारी करी है, उनको दोबारा पेपर देने दो। साला मैंने कहीं ना कहीं पे ये स्टेटमेंट सुनी थी कि जब तक इस केस को हम सॉल्व नहीं कर लेंगे, चाहे वो थ्रू सीबीआई हो या कुछ भी हो, दोबारा पेपर नहीं होगा। बेंच जो बच्चों ने तैयारी करी है उनका बनेगा क्या भैया? आप दे रहे हो खर्चा, आप दे रहे हो दिमाग बंदे को लगाने के लिए। एक बच्चा जो फुली कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ उसने जी जान लगा के तैयारी करी होगी, करंट अफेयर्स के बारे में पूरा अपडेट होगा, उस टाइम पे उसको लेटेस्ट जाना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए? इनसे कोई पूछने वाला हो जो पढ़ाई इन्होंने करी है, आज की डेट में दोबारा इनसे पेपर लिया जाए, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे यार। यू हैव टू स्टडी टू द लेटेस्ट सिलेबस, राइट? और उतना ही एफर्ट जिसने 100% एफर्ट दिया होगा वो दोबारा नहीं दे पाएगा। और ये भी बात मैं समझता हूँ कि इतने स्टूडेंट्स को तो जॉब दे नहीं सकते ना बिना पेपर के, वो मैं मानता हूँ। कम से कम तुम पेपर अपने एक गिवन टाइम में ले लो, तुम्हारे पास दोबारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं है वो एग्ज़ाम लेने के लिए। मतलब कुछ भी मतलब भलता बोल देते हैं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी बात ये है कि गाइस देखो, मैं एक ना बड़ी सिंपल सी बात थ्योरी पे बिलीव करता हूँ कि ठीक है, हमें इस बात पे सरकार के अगेंस्ट थोड़ी दो बातें बोलनी पड़ गई, या हमें वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करना पड़ गया। प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, देखो चोटें मत खाओ, वॉयलेंट मत हो। वहाँ पे अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, उनकी वीडियोज़ बनाओ मेरे को भेजो, मैं डालूँगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग एग्रेसिव मत हो, तुम लोग फाइट मत दो वहाँ पे वॉयलेंट नहीं होना है, फिजिकल नहीं होना है। देखो 10 लोगों के चोट लग गई, ये नहीं होना चाहिए यार। बस वॉयलेंट मत हो, अपना प्रोटेस्ट करो, अपनी बात कहो, समझ में आता है। तुम्हारे को बात करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं देता हूँ, मेरे यहाँ पे बात कर लो यार। तुम एक लॉजिकल वीडियो बना के मेरे को भेजोगे ना, मैं एज इट इज डाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सो प्लीज डोंट फाइट। ये यार इंजरी करा के भी एग्जाम नहीं दिया जाएगा, मुझे नहीं पता मैंने क्या सही बोला वीडियो में, क्या गलत बोला, बट जो मेरे दिल में बात थी मेरे को समझ में आया, जितना मैंने उस हिसाब से अपनी ये बात बोल दी है। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट में बोला था कि इसके ऊपर बात करो, तो मैंने कर दी बात, ठीक है? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी
पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, बट हाँ जो करप्ट चूतियाँ हैं, चाहे वो सरकार में है चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको तो साला नंगा करके पीटना चाहिए। पूरी जानकारी निकल जाए ना, जब पता लग जाए कि किस बंदे ने करा है, और पता लग जाए कि हाँ ये चार पांच लोग थे जिनकी वजह से ये हरकत हुई है, सड़क पे खड़ा करके पीटो, कोई दिक्कत नहीं। ताकि अगली बार से ऐसी कोई करप्शन करने से पहले सोचे यार। इस वीडियो के लिए मैं बोलूंगा नहीं यार तुम लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तुम लोग बोलना चाहते हो, तुम लोग अपनी बात सही तरीके से कहना चाहते हो, मे भी मैं गलत बोल गया हूँगा, लेकिन तुम में से कोई भी अगर अपनी बात सही तरीके से कहना चाहता है, आ जाओ बनाओ वीडियो और मेरे को उसका पूरा मैटर बताओ। अगर तुम्हारी वीडियो मेरे को लॉजिकल लगी ना, सही भी लगी, तो मैं डाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोलूंगा इस वीडियो के लिए, मर्जी तुम्हारी है भैया। हमेशा बोलता हूँ, आदत पड़ी है वीडियो क्लोज करने की वैसे तो, बट कोई दिक्कत नहीं। विल सी यू इन अनदर वीडियो, मिलता हूँ।